टॉप 4 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर अपने लिए एक परफेक्ट 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस, बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले, लंबी चलने वाली बैटरी और तो और अच्छे खासे 5G बैंड्स का सपोर्ट चाहिए, सो गाइस आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने 4 स्मार्टफोन्स पिक किए हैं और चारों ही अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जो कि दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में एक लेटेस्ट और एडवांस 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं लावा का ब्लेज 2 5G। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो डिजाइन जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते, डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर ग्लास बिल्ड के साथ में मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही ये फोन 8.5 मिलीमीटर की थिकनेस और 203 ग्राम के साथ में आता है, तो थोड़ा सा हैवी है लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP52 की रेटिंग मिल जाती है और हाँ दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर रिंग लाइट देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। सो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.56 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल, जहां पर कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ वाइड वाइन L3 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा और दोस्तों ये स्मार्टफोन 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आता है। सो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। हालांकि इस प्राइस पर भी काफी सारे स्मार्टफोन हैं जो कि 5G के साथ में आते हैं, जहां पर हमें फुल HD+ का रिजोल्यूशन मिलता है। सो यहां पर अगर फुल HD+ होता तो और ज्यादा अच्छा होता। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहां पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा है 50MP का और साथ ही 2MP का आपको यहाँ पर एक AI लेंस मिलता है। वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको मिलता है 8MP का सेल्फी स्नैपर। रही बात दोस्तों यहाँ पर इमेज आउटपुट की, तो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। डेलाइट में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आती है, हालांकि आप इसे थोड़ा सा एवरेज ही कह सकते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30fps। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 7nm बेस्ड MediaTek Dimensity 6020 का 5G चिपसेट और दोस्तों यहां पर आपको आम वाली G57MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी गेमिंग करा देता है। जी हां दोस्तों, ये स्मार्टफोन ऑन द टू पर लगभग 4 लाख के ऊपर स्कोर कर जाता है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको यहां पर परफॉर्मेंस वाइज तो कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस फोन का यहां पर अच्छा है। वहीं पर फोन के पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट और साथ ही साथ चार्जर बॉक्स के अंदर ही आपको मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसके आउटपुट दोस्तों यहाँ पर ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। रही बात यहाँ पर कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है, आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वहीं पर यूजर इंटरफेस की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है, जहां पर आपको 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो लावा की तरफ से एक और काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4/64 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 9999 रुपए। पर अगर आप यहाँ पर लावा की तरफ से ब्लेज 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो वो भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग आपको बिल्कुल भी सेम देखने को मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि लावा का ब्लेज 5G जो कि पहले 10,000 से 11,000 रुपए की प्राइस पर मिलता था, इस समय आपको मिल रहा है 9,299 रुपए की कीमत पर। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की। तो अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है यहाँ पर M6 Pro 5G। करें इस फोन की, तो वैसे तो फोन का डिजाइन और लुक आपको हमेशा की तरह थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये फोन पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है। बात करें फोन की डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 550 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है।
चलिए कैमरास की बात कर लेते हैं, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दो कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। वैसे यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ही अच्छी और लंबी बैटरी बैकअप निकाल कर देता है। साथ ही साथ फोन की परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की है। ये स्मार्टफोन ऑनतुतु पर लगभग 4,37,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर एड्रेनो 613 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। साथ ही साथ फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी लगा हुआ है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के हिसाब से टॉप नॉच मिलती है। बात कर ले अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही साथ हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, जहाँ पर आप एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 13 बेस MIUI 14 पर। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में भी आता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आप एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और आपका बजट लगभग 10,000 से 11,000 रुपए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Redmi की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च Redmi का 13C 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन भी आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस फोन की थिकनेस है 8.1 mm और फोन का वेट है लगभग 192 grams। और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.74 inches की HD+ की IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट आपको दिया गया है। 600 nits तक की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 90Hz तक की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी से कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर एक AI लेंस देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा की गई है, बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो डे लाइट में फोटोज़ यहाँ पर डिसेंट निकल कर आ जाती है, जिसे आप अबो एवरेज कह सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। और आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कोई भी EIS वगैरह का फीचर भी नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6100+ का चिपसेट। और आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 3,88,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि एक अच्छे स्कोर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आम माली G57 MC2 का 2 कोर का GPU देखने को मिलता है, जो कि प्राइस पॉइंट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। आपको परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बट दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको 10W का चार्जर मिलता है। सो बैटरी मॉड्यूल भी देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसेंट ही देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी कुछ यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जिसके आउटपुट आप डिसेंट कह सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर हम कार्ड ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है क्योंकि आपको यहाँ पर ड्यूअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही आप यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए इस समय आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपये। बट दोस्तों स्मार्टफोन की सेल चल रही है और इस दौरान आपको यहाँ पर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है। यानी इफेक्टिवली ये फोन आपको मिलेगा 10,000 रुपये की कीमत पर। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन हम रखा हुआ है यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो G34 5G। बात करें इस फोन की, तो डिज़ाइन आपको एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसा ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों बैक साइड में आपको यहाँ पर वेगन लेदर का सपोर्ट दिया गया है,
जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन 8mm की थिकनेस और 183 ग्राम्स के साथ में आता है। और रही बात इन हैंड फीलिंग की, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आने वाले। रही बात फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही आपको यहाँ पर पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको मिलती है। सो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो थोड़ी सी डिसेंट है। अगर यहाँ पर फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन होता तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होती। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो आपको यहाँ पर डे लाइट में डिसेंट टाइप के आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर चाहें तो कलर को इन्हेंस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट मोड्स और काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, तो आप अपनी फोटो क्वालिटी को और इन्हेंस कर सकते हैं। रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा से भी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली दोस्तों वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस Qualcomm Snapdragon 695 का पावरफुल चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 619 का GPU। और अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। और इसी के साथ में आप यहाँ पर हाई लेवल की सेटिंग पर भी गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली दोस्तों काफी अच्छा फोन है। अब बात करते हैं पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिलती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, जिसके आउटपुट दोस्तों डेफिनेटली अच्छे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया और आपको यहाँ पर एक साल का मेजर अपडेट भी देखने को मिलेगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 13 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, साथ ही IP52 रेटिंग के साथ में आता है, तो हल्का फुल्का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन VoNR के सपोर्ट के साथ में आता है, यानी कि आप यहाँ पर 5G पर वॉइस कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रेशन का भी सपोर्ट दिया गया है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली काफी अच्छा पैकेज है। तो चलिए बात करते हैं प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 10,999 रुपये। वहीं पर स्मार्टफोन के 8 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,999 रुपये। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्मार्टफोन के हायर वेरिएंट के साथ में जाएं, जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन होगा। भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।